कांग्रेस की रैली करता था, 60-60 हजार की रैली रणजीत सिंह की होती थी, पर इस पार्टी में जो समान रणजीत नहीं है ये किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकता। मैं मनोहर लाल जी की एक ही बात से इज्जत करता हूँ कि उन्होंने जब वो बातें कई बार बता दी, दोबारा नहीं कहूँ कि मुझे जब कैबिनेट में लिया गया my school, it's right place and change along my school, thanks. This is our computer lab, we charge computer from third standard itself. This is our school for my dream come true. मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दिल्ली हाईकमांड से परमिशन लेने गए तो कहने के किसी को बुला दो कि आप हाईकमांड, आपका फैसला, आपने मुझे बना दिया, किसी को बना दो कैबिनेट आपने बना दिया, पर एक नाम लेके जा रहा हूँ रणजीत सिंह, उस कैबिनेट में जरूर लीजिए मुख्यमंत्री। मैं आज भी उनका बहुत धन्यवाद, 4.5 साल में मेरे मार्गदर्शक रहे, आगे भी रहेंगे। अब दूडाराम जी ने वो बात कह दी जो बहुत सेंसिटिव बात है कि अब जब मंत्रिमंडल बना, 14 सदस्य थे, मुझे अचानक, मैं आपके बीच में था, शादियों में था, यहाँ गाँव में था, मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि रणजीत सिंह जी कहाँ, मैं जी मैं सिरसा में हूँ, कल का क्या कार्यक्रम है जी, सिरसा में ही हूँ 2 दिन से, कहने के चंडीगढ़ आने का कोई कार्यक्रम मुझे नहीं है, तो कल आप आ जाओ। मैं चला गया, रात के 7 बजे पहुंचा, बाकी कैबिनेट के मिनिस्टर भी बैठे थे, मुझे बुला के एक एक से मिल रहे थे, कहने के मैंने ऐसा निर्णय कर लिया और मैं मुख्यमंत्री पद से हटके दूसरे को बनाऊंगा, किसको बनाऊंगी ये पार्टी ने फैसला करना है, आप मेरे मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्य, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं कहने लगा जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आप क्या बोल रहे हो। कहते नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये फैसला मनोहर लाल जी का, ऊपर आयुष्मान का एक फैसला जो हमने कर दिया, अभी इसमें कोई चर्चा नहीं करे मुझे करने के। मैं कहने लगा जी ठीक, आपका सीनियर लोगों का फैसला तो हमने सुन लिया, अब इसके बाद जब अगली मतलब पूरे दिन में सब घटनाएं हो, मुझे मैंने देखा था सिस्टम में रहा, मैं तो दिलवा की कैबिनेट में रहा, ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में रहा, उसके बाद हुड्डा साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर तो नहीं था पर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कैबिनेट रैंक होता है, वो भी मैं उसमें था, और फिर मनोहर लाल जी की सरकार में रहा, अब लाइन सिंह जी की सरकार में आ गया, 5वीं 6वीं सरकार होती है। मैंने एक सिस्टम देखा है कि पहले दिन यहाँ से फोन आ जाता है कि आप कल अपने साथियों को डालो, कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। सुबह घटना में भी 41 मेंबर एक तरफ बैठे, 7 हम थे, 48 गवर्नर साहब के गए कि हमारे नए नेता नायक सिंह जी सैनी है, मनोहर लाल जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, हम गवर्नर साहब भी करेंगे, और उसके बाद ये होता है कि मैसेजेज आते हैं, तो मैं कोठी पे बैठा था, मैं जिन्हें मंत्री बने के उन्हें मैसेज आएगा, ये तो पता था 5 बजे सख्त होगी, मैं 5 बजे में 7 मिनट पे मैं कोठी पे बैठा था, कभी जिन्होंने मंत्री बनना उनको मैसेज आ जाएगा, मुझे मैसेज नहीं था। मैंने कूलर साहब को फोन करा कि कूलर साहब मंत्रिमंडल का गठन 5 बजे, मैसेज मुझे औरों को गए कि नहीं गए क्या है, कहते आप कहा मुझे बस कोठी पे, कहते तुरंत चल पड़ो, कहते मुझे ये पता नहीं आप डिप्टी सी एम बनेंगे मंत्री बनेंगे, पर आपका मंत्रिमंडल में नाम है, सब काम छोड़ के जा। मैं जब गाड़ी में बैठ गया, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने फोन से मुझे फोन करा कि रणजीत सिंह जी कहा वो यार मैं जल्दी करवाओ, मैं पहुंच गया। देखिए ये पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी में बड़ा थिंक टैंक है, इंटेलेक्चुअल सेल है, नीचे तक जमीन तक काम करके उन्हें सब पता है कि मैं क्या हूँ, दूसरा क्या है, एक एक आदमी का उनके पास रिपोर्ट रहती है।
मुझे जब ये सारा फैसला करता है तो इस कैबिनेट का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो सबके मार्गदर्शक है मनोहर लाल जी और मौजूदा मुख्यमंत्री नायक सिंधी सैनी, नेता बनने के बाद परमिशन दिल्ली से होती है, अगर मोदी साहब से, अमित शाह जी से, नड्डा साहब से और जो भी इसमें जिन व्यक्तियों से सलाह कर रहे थे उनसे सलाह होकर नाम आते हैं। जब ऊपर 5 नाम फाइनल हुए तो मैं सरसा जिले के लोगों को बता रहा हूँ, रानिया हल्के के लोगों को जिलों को बता रहा हूँ कि इतना बड़ा हाई कमान उसमें अगर उस सूची में सरसा जिले से 13 नाम दर्ज है तो इससे ज़्यादा आपके लिए सम्मान की बात है, इससे ज़्यादा कि वो ये देखे। मैं एक इंडिपेंडेंट पार्टी आज भी मैं टेक्निकली पार्टी में नहीं हो सकता, हालांकि पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, पर उसके बाद मुझे इतना सम्मान मान देना बापका, यही लोग थे। कांग्रेस की रैली करता था 60-60 हज़ार की रैली, रणजीत सिंह के लोग होती थी, पर इस पार्टी में जो सम्मान रणजीत मिली है ये किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकता। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 10 साल ये ही पार्टी आगे राज, मिनिमम तो है, मैं आगे की नहीं कहता, 20 साल क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, पाकिस्तान में कुछ हो गया, अमेरिका में 8 साल के बाद अगला वो नहीं बन सकता, ट्रंप बने का अगला बने, इंग्लैंड में भी 10 साल पहले प्रधानमंत्री है जो 30 ही बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, जिले को इज्जत चाहिए, हमारे इलाके को इज्जत चाहिए, तो इससे बढ़िया निर्णय नहीं हो सकता। पहले तुम कहीं भी नहीं थे, आज तुम सरकार में सबसे वरिष्ठ साथियों में एक, आपका सरकार में पूरा, अगर भाई रणजीत सिंह इस पोजिशन में नहीं होता तो ये गगर खरीद चैनल, रत्ता खड़ा खरीद चैनल, 20 गाँव में पानी लग रहा है, किसान ही होना, ये काम तो किसी ने नहीं करा, इस सरकार ने करा। अब सुल्तानपुरिया जो चैनल दोनों बंदरपुर निकले 14 गाँवों में पानी जाएगा, छोटा गाँव ये बटोला जी ने हमारे काम करे, जितना पैसा लगा है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ नौकरी की बात पे, आपको भी पता है कि हम नौकरी नहीं लगा सकते। रिसालिया खेड़ा गांव डबौड़िया हल्के में है, MLA वहाँ से कांग्रेस का, और रिसालिया खेड़ा गांव का 38 बच्चे पहले जो सी ग्रुप आया उसमें निकल के आ गए, दूसरा जब डी ग्रुप के सिलेक्शन है तो उसमें भी उस गाँव के 26 बच्चे निकल के आ गए, हरियाणा में 1 नंबर गाँव का। बताओ कांग्रेस का MLA बिना पैसे बिना खर्चे सब जो हुआ है ये इस सरकार का सबसे बड़ा काम है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि BJP के कैंडिडेट वो है, हमें नहीं देखना, हमें BJP देखना है, मोदी साहब को देखना है, मनोहर लाल जी को देखना है, अमित शाह नड्डा साहब को देखना है, हमें नायक सैनी जी को देखना है, भारतीय जनता पार्टी को, हमें वो आज मंच पे है कि नहीं, कहीं अपने काम से कहीं होंगे, मैं ठीक मैसेज नहीं कर रहा होगा, यहाँ से कैंडिडेट है हमारा, उनसे फर्क रहा मन रहा उस बात को भूल गया। रणजीत से कहना हमने भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करके एक एक वोट हमारा भारतीय जनता पार्टी हाथ खड़े करके नहीं, सारे खड़े होकर के होंगे भारतीय जनता पार्टी को डालने के, खड़े हो जाओ एक, अरे हम जोर से तालियां बजा दो भारतीय जनता पार्टी। इज्जत के लिए, हमारी पार्टी की मजबूती के लिए
पार्टी से बढ़िया जगह नहीं, अपना तकड़े होकर यहाँ लग जाओ, काम करो। आप सब आए, मुझे ये सम्मान दिया, इज्जत दी।